हम द्वारका से निकले थे तो गुजरात में द्वारका से जब तक हम अहमदाबाद गांधीनगर पहुँचे हैं तो बीच में तो इतने खाली एरियाज़ थे, वही जैसे थोड़ा सा विलेज एरिया होते हैं कि मतलब अभी डेवलप नहीं होते, या वो मिडिल रोड्स थी तो आसपास सारा खाली खाली था, पूरा मैदान, ज़्यादा हरियाली नहीं थी। बट यहाँ पे इतना क्लीन है, फिर से सिटी अंदर इतने अच्छे से मेंटेन्ड है तो इतना अच्छा लग रहा है। अब दोबारा से बीच में तो ऐसा लगता है कि मतलब अब थक गए थोड़ा सा। तो इस पूरी ट्रिप में जो हमने दूर दराजे इलाके देखे ना, अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग प्रकृति के ये जो रंग होते हैं, तो दूर दूर तक तो कई बार रेत ही रेत, भीड़ ही भीड़, एक एक पेड़ तक नहीं, कई जगह इतने सारे पेड़ वगैरह। और कई जगह आप जब शहर देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है, अपने भारत जैसी, अपनी दिल्ली जैसी बात लग रही है। छुपी क्यों है दिल की ये गहराइयाँ, दस्तक दी तुमने, खुला राज सभी। शायद गिर के संभलना ही है तो क्या नहीं है, और क्या सही है और क्या नहीं है, और क्या सही है। मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। मकबूल थी तो टुकड़ों में जीते बंद आँखों से तुझको अब रोज मिलते हैं। चल अकेले हैं पर गुजार हैं, इन कुछ कमियों के साये में आजाद हैं। पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना ही है तो क्या नहीं है, और क्या सही है। और अब फाइनली हम लोग गुजरात का बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और अब एंटर करेंगे राजस्थान में। तो गुजरात का ट्रिप तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा। ये देखिए, ये आ गया बॉर्डर लाइन और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रतनपुर राजस्थान की सीमा।